हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमिक की लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है, 10 नए छात्र भर्ती होने पर औसत उम्र 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत उम्र है, ये RRB और RRC के कई आपके जोन में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि 40 छात्रों की उम्र जो औसत उम्र है वो 15 वर्ष है, ठीक है, और जो नए 10 छात्र आए हैं अगर उनकी भी उम्र 15-15 वर्ष होती तो औसत में तो कोई चेंज नहीं होने वाला था, औसत 15 वर्ष ही रहता। बट औसत जो है वो 0.2 से बढ़ गया है, इसका मतलब जो 10 नए छात्र आए हैं उनकी 15-15 वर्ष से कुछ ज़्यादा एज होगी तभी तो बढ़ा है औसत, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान में रखनी है और देखिए अब कितने आसान तरीके से ये हो जाएगा। 40 छात्रों की जो औसत उम्र है वो 15 है, सभी को पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे जो 10 नए छात्र आए उन्हें अगर हम देखा जाए कि वो 15-15 वर्ष अगर एज लेके आते अपने साथ में, यानी कि 15-15 वर्ष के होते तो कितनी एज लेके आनी थी उन्हें, 150। अगर वो 150 वर्ष सम, यानी कि 10 के 10 बच्चों की 150 वर्ष का सम होता उनकी एज का, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, कोई एवरेज में चेंज नहीं होता। तो इतना उन्हें लेके आना था, एक्स्ट्रा कितना लेके आए, वो 0.2 से सभी का औसत बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी बच्चे हैं 40 वो और खुद भी 10 वो, उन सभी का औसत 0.2 से बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि 50 बच्चों का जब 0.2 से औसत बढ़ेगा तो इसका मतलब 10 वर्ष ज़्यादा लेके आए वो 150 से, यानी कि अगर वो 150 वर्ष लेके आते अपने साथ में, सभी की एज का सम 150 वर्ष होता 10 बच्चों की, तो कोई चेंज नहीं होता, बट वो 10 एक्स्ट्रा लेके आए उसकी वजह से ये औसत बढ़ा है। तो उनकी जो सम हो गया उनकी एज का 10 बच्चों की वो कितना हो गया, 150 तो उनको लेके आना था, 10 एक्स्ट्रा लेके 160। और अब यही पूछा है कि उन 10 बच्चों की औसत उम्र क्या है, तो वो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 160 को 10 से डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष का हर, मतलब एक एक बच्चा जो 10 बच्चे हैं वो 16-16 वर्ष के हैं, यानी कि उनकी औसत जो उम्र है वो 16 वर्ष हो गई, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो औसत के जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी एक औसत से ही है, एवरेज से है ये क्वेश्चन भी आपका। देखिए X1, X2, X3, X4 का औसत 16 है, यानी कि 4 संख्या है आपके पास X1, X2, X3, X4, उनका औसत कितना दे रखा, 16 है। X2, X3, X4 के योग का आधा 23 है, यानी कि इन तीन का योग यानी कि सम का आधा कर दिया जाए तो वो 23 है। बताइए कि X1 का मान कितना है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे ग्रुप डी का हो, ALP का हो, चाहे RPF का भी हो, ठीक है। तो कैसे करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको पता चल गया कि इनका औसत बताया गया है कितना, 16, और इनका सम का आधा बताया गया है वो 23 है। तो हम बिल्कुल वैसे ही बना लेते हैं दो इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, X1, X2, X3, X4 कितनी संख्या है, 4, तो इन 4 को जब हम प्लस करके 4 से भाग करेंगे तभी तो औसत निकल के आएगा 16, ठीक है। तो इन 4 संख्याओं के सम को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 16 इनका औसत आ रहा है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, जब हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 4 की 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन चारों की संख्याओं का सम आ जाएगा निकल के, वो कितना, 64। तो इन चारों संख्याओं का सम कितना हो गया, 64। पहली इक्वेशन हमारी क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि X2, X3, X4 का आधा 23 है,
तो x2, x3, x4 का जब हम सम करेंगे, उसको आधा करेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो 23 आ रहा है। यानी कि इन तीनों का सम भी हम निकाल सकते हैं जब 23 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, और इधर तो कुछ है नहीं तो 1 इधर तो वैसा का वैसे रहेगा। तो यहाँ पे x2 x3 x4 का सम कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यानी कि आपको x1 x2 x3 x4 का भी सम पता चल गया और x2 x3 x4 का भी सम पता चल गया। अगर मैं इस सम में से इसको माइनस कर दूं तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि x1 का मान कितना होगा। तो x1 का मान आपका कितना हो जाएगा, 64 को जब हम 46 माइनस कर देंगे 64 में से, तो आपका 18 बचेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन आपके हार्ड नहीं आने वाले हैं, बस बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे ALB टेक्नीशियन का भी एग्जाम चल रहा है तो उसमें बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आपका ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है तो आपका भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप प्रीवियस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो अपलोड की है अभी तक, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसे चेक करते रहा करें, उसमें बहुत सारी वीडियोस के लिंक आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि ए का 20% बी का 30% यानी कि इक्वल है, ए का 20% इक्वल है बी का 30% के, और बी के 30% के इक्वल है सी का 1/6, तो ए बी सी का रेशियो यहाँ पे पूछ लिया गया कि ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और कैसे करना है बाकी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला है कि ए का 20% यानी कि ए आपने लिखा, उसका 20% कैसे निकालेंगे, 20/100 करके, तो आपने 20/100 कर लिया। फिर बी का 30% कैसे निकालेंगे, बी इंटू 30/100, ये भी आपने कर लिया। फिर सी का 1/6, आपने इतना काम कर लिया, तो जितनी चीज़ें कट सकती हैं उनको कट कर दीजिए। जैसे यहाँ 0 से 0 कट रही है, 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम, ठीक है, इतना आपके सामने बच गया। तो ए का 1/5, बी का 3/10 और सी का 1/6, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर 3 है तो आप इनको इक्वल बनाने के लिए इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये और जो फाइनल में वैल्यूज बचेगी वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। 3 की इधर करेंगे कितना हो जाएगा 15, और 3 की इधर करेंगे कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 36/18। तो 1/15 बी इंटू 1/10 और सी इंटू 1/18 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी सी का रेशियो आपका निकल के आ चुका है, ठीक है, 15:10:18 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही आसान है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इजीली आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, किसी एक शरबत में 15% चीनी है तथा दूसरे शरबत में 5% चीनी है, यानी कि दो अलग अलग तरीके के शरबत हो गए, एक में 15% चीनी एक में 5% चीनी। पहले शरबत में 20 लीटर में दूसरे बर्तन का कितना लीटर मिलाया जाए, मिलाए जिससे नए बर्तन में चीनी 10% हो जाए। तो आपके पास अभी 3% आ गई है, यानी कि 3 अलग अलग क्वांटिटी आ गई, तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग सेपरेट ये दे रखा है कि एक शरबत में 15% चीनी है, दूसरे शरबत में 5% चीनी है, और आपको बनानी कितनी है तीसरे बर्तन में, वो आपको 10% बनानी है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितने लीटर मिलाया जाए जिससे नए शरबत में चीनी 10% हो जाए, यानी कि जो तीसरा टाइप का शरबत बना जा रहा है उसमें चीनी आपको 10% बनानी है। तो किस रेशियो में मिलाया जाए, सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम इजिली बहुत ही आसान से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट शरबत और सेकंड शरबत आपने लिख लिया, एक में 15% एक में 5%, आपको बनानी कितनी 10% है। मिक्सर एलिगेशन क्या कहता है कि आपको जो बीच वाली वैल्यू है ये एक से तो बड़ी होनी चाहिए और एक से छोटी, तो इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो बिल्कुल सही है, आप एलिगेशन लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है आपको 3 वैल्यू भी होती है बट ये दोनों से बड़ी या फिर दोनों से छोटी हो जाती है, तब आपका एलिगेशन वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना 5, और इधर से इसमें से माइनस करेंगे 5, यानी कि यहाँ पे जो निकल के आया रेशियो 1:1 का रेशियो आ गया है, ठीक है। यानी कि इस रेशियो में आपको मिलाना है, तो हमें ये नहीं पूछा कि किस रेशियो में मिलाना है। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितने लीटर मिलाया जाए कि नए शरबत में चीनी 10% हो जाए। तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, पहले वाला शरबत कितना है ये आपका 1 रेशो दे दिया, ठीक है, यानी कि ये,
और ये कितना है 20 लीटर है, तो 20 को आप 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 है इसकी रेशियो, तो 20 को डिवाइड किया आपने 1 से और 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दूसरा शरबत पूछा है कि उसमें कितना मिलाया जाए, तो दूसरे का भी रेशियो 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो यानी कि आपको दूसरा शरबत भी 20 लीटर ही मिलाना है। ठीक है, देखिए आपको इसको करने की जरूरत भी नहीं थी इतना, क्योंकि आपको पता चल गया था कि दोनों को इक्वल मिलाया जा रहा है, तो अगर पहले शरबत से 20 लीटर बताया गया कि मिलाया गया तो दूसरे से भी 20 ही मिलाया जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। ठीक है, 20 लीटर मिलाए गए दूसरे शरबत की मात्रा है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, यानी कि जब यहाँ पे बोलता है एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, यानी कि जो भी आज उस बच्चे की उसके पुत्र की उम्र होगी, ठीक है, उसके पिता की उम्र उस जब वो पैदा हुआ था उतनी थी। ठीक है, अभी और अच्छे से समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, पुत्र की आयु को एक्स मान लेना है। ठीक है, पुत्र की आयु को एक्स मान लेना, माना पुत्र की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। ठीक है, यानी कि पुत्र आज एक्स वर्ष का है, तो जन्म के समय पिता की आयु कितनी होगी, उन्होंने बोला कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, तो आज पिता की उम्र 36 है, तो अगर इसमें मैं एक्स माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगी पिता की तब की उम्र जब ये बच्चा यानी कि उसका पुत्र पैदा हुआ था। समझ गए आप, तो प्रश्न अनुसार क्या हुआ, 36 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के, क्योंकि भाई हमने तो आज वर्तमान उम्र क्या मानी है, उसके पुत्र की एक्स मानी है, तो ये एक्स के इक्वल कितना हो जाएगा, 36 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा x को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 36 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू 18 आ गई है। x की वैल्यू का मतलब है कि पुत्र की वर्तमान आयु आपको मिल गई है कितनी, 18 वर्ष। पूछा क्या है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, तो x में से आप 5 को माइनस कर देंगे तो 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका, 13 वर्ष, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा। देखिए पुत्र की आज वर्तमान में आयु हमने क्या माना, एक्स मान लिया। ठीक है, अगर मैं आज की वर्तमान की आयु माइनस कर दूँ तो जन्म के समय पिता की आयु आ जाएगी, क्योंकि पिता की आयु आज तो 36 वर्ष है। अगर मैं इस माइनस को सॉरी एक्स को माइनस कर दूं तो पिता की जो पुत्र जिस टाइम जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन की आयु मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक प्रेजेंट आयु तो माइनस कर दी ना, तो यहाँ पे पिता की आयु 36 माइनस एक्स है और आज प्रेजेंट में, और ये कब की आयु है, जब बच्चा पैदा हुआ था, जब इसका पुत्र पैदा हुआ था पिता का, तो यहाँ पे उसकी उम्र कितनी थी, मतलब पिता की उम्र कितनी थी, 36 माइनस एक्स, और आज बच्चे की उम्र एक्स है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी ना। अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर समझे नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा से भी समझा सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देखिए ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और ये आपका कई बार पूछा जा चुका ग्रुप डी में 2013 में 2014 में। 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, 18 अपॉन यहाँ पे ये 18 ग्राम है तो आपको 7.2 किलोग्राम जो है उसको ग्राम में बदलना पड़ेगा, ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू 100 से कर देंगे क्योंकि हमें बताना है कि कितने प्रतिशत है, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, यहाँ पे कितना बचेगा 7.2 है तो इसका मतलब 72 ग्राम बच गया। 18 अपॉन 72 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25% इज द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल था ये तो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 16% का 40% 8 है तो वह संख्या है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। एक्स मान लिया आपने वो संख्या, ठीक है, यानी कि देखिए दोबारा से देखिए, यदि किसी संख्या को आपने x मान लिया कि 16% का 40%, यानी कि आप सबसे पहले
किसी संख्या को आपने एक्स मान लिया, उसका 16% निकाला, जो भी आएगा उसमें सीधा सीधा आपने फिर 40%, तो आपने उसको निकाला नहीं डायरेक्टली, उसको 40 अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो बस आपको इसको सोल्व करना है, तो ये आपके जो भी सोल्व करके आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखिए x की आपको वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ रख लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, 100 × 100 × 8 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 16/40। तो आप इसको सोल्व करेंगे, कट कर दीजिए, 8 से 16 चला जाएगा 2 टाइम, ठीक है, 2 से 100 चला जाएगा 50 टाइम, फिर यहाँ पे आपका 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 2 टाइम और 2 से 5 टाइम, फिर ये 2 से फिर 50 कट जाएगा 25 टाइम। तो कितना बच गया आपका, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 25 × 5, तो कितना हो जाएगा, 125 इज द राइट आंसर। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 125, ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो वो संख्या बोली गई थी कि किसी संख्या का 16% का 40% 8 है, तो वो संख्या आपको मिल गई, वो कितनी है, वो 25 है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और आप इनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, छोड़ के तो आना ही नहीं है, कम से कम समय में करना है, ठीक है। और कम से कम समय में कैसे करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे करिएगा, और प्रीवियस वीडियोज़ को देखते रहिए, रेगुलर वॉच करिएगा सारी वीडियोज़ को जितनी भी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। एक भी वीडियो को नहीं छोड़ना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आपको कवर करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 900 रुपये अंकित की गई है, यानी कि MRP कितनी है, 900 रुपये है, और उस पर 8% और 8% की दो क्रमिक छूट दी गई है, यानी कि लगातार उस पर 8% की दो छूट दी गई है। यदि इन दो छूट के स्थान पर 16% की एक छूट दी जाती है, तो विक्रेता को कितनी हानि या लाभ होगी, ये आपको बताना है। देखिए एक तरफ तो उसको 8% के दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, और एक तरफ पूरा 16% का इकट्ठा एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे बताना है कि किसमें 16 वाले में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको देने में किसमें उसका लॉस होगा और किसमें उसको हानि होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए कितना लॉस होगा, कितनी हानि होगी, ये आपको बताना है। 8% के दो डिस्काउंट है, इनकी 1% बना लिए, कैसे बनाना है देखिए, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ वैसे, यहाँ पे 8 दो अलग अलग डिस्काउंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इनको आप एक ही बना सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज को। तो x प्लस वाई और माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, इस तरीके से हम करते हैं, तो 8 + 8 माइनस 8 × 8 अपॉन में 100 कर लेंगे, तो आपका यहाँ पे परसेंटेज क्या बनेगी, ये तो हो गया आपका 16 पूरा, यहाँ पे 8 × 16 और 16 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 8 × 64 होता है, सॉरी यार 64 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.64 आ जाएगा, तो यहाँ पे 64 को माइनस करेंगे तो 15.36 आएगा, ठीक है। यानी कि दो आप अलग अलग डिस्काउंट देते हैं 8% के, तो वो कितना हो गया, 15.36 हो गया, और एक तरफ दूसरा जो छूट दी जा रही है वो 16% की दी जा रही है, तो इसका मतलब अलग अलग छूट देने से और एक जो छूट देते हैं उसमें आपको क्या होगा, लॉस होगा, कितना होगा, ये होगा 0.64 का, ठीक है, यानी कि इतने परसेंट का आपको हानि होगी अगर आप दो अलग अलग डिस्काउंट देने की बजाय एक ही डिस्काउंट देते हैं। तो 900 का निकाल लीजिए 0.64%, तो कितना आएगा, ये कट जाएगा आपका, और 9 की मल्टीप्लाई 0.64 में करेंगे तो कितना आएगा, 5.76 की हानि हो जाएगी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.76, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में अभी भी ALP टेक्नीशियन के, और जिसका एग्जाम ALP टेक्नीशियन का हो गया है और उसने ग्रुप डी का भी भर रखा है, और किसी कारणवश मैं आशा करता हूँ कि आपका सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा और अच्छे जा रहे होंगे, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, अगर नहीं गया है अच्छा तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, अभी ग्रुप डी का आपके सामने है, एक और आपको चांस है, बिल्कुल समझिए, बिल्कुल एक और आपके सामने एक और खड़ी है नौकरी, आपको उसके लिए पूरी मेहनत कर देनी है आपकी बार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये था आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर तो करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में भी, अपने सभी दोस्त जो आपके साथ पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको भी जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।